हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊं कि आप जो ना इजी पैसे का जो अकाउंट है वो कैसे डिलीट करोगे, कैसे अपने अकाउंट को बंद करोगे। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जो चीज आपको मैं समझा रहा हूं आपने उसी तरीके से करते जाना है बस, और आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा बिल्कुल ही प्रॉपर, बिल्कुल ही परमानेंट जो ना आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यार हमारा चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। और आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है, और आप सबने वीडियो एंड तक देखनी ताकि यार आपको वीडियो समझ आ सके। सबसे पहले तो आपको बता दूं आपने सिंपल सा इसमें करना क्या, सिर्फ इनकी हेल्पलाइन पे आपने कॉल करना, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं अगर आप टेल और यूजर है तो इनकी हेल्पलाइन ये है 3737, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं इनकी जो हेल्पलाइन है वो 3737 है, ठीक है। अगर आप अगर जेएस के यूजर है तो नॉन टेनर यूजर है तो उसकी हेल्पलाइन है 04211003737। अब आपने इसमें सिंपल करना है क्या है, इनके नुमाइंदे से आपने बात करनी है, ठीक है। नुमाइंदे को सिंपली आपने बोलना है कि यार मैंने जो है अपना अकाउंट बंद करना है, ठीक है, वो अपने अकाउंट को डिलीट करना है। तो आपसे जो ना सिंपली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको जो ना कॉल करने से पहले आपको जो ना उसी नंबर से करना जिस नंबर पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। जिस नंबर पे आपने अकाउंट बनाया उसी नंबर से आपने कॉल करनी है, ठीक है। कॉल करने के बाद आपका जो एनआईसी है वो आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एनआईसी के ऊपर ही है, ठीक है, वही आपसे पूछेंगे, ठीक है। और आपको मैं अभी हेल्पलाइन के बारे में बता देता हूँ, हेल्पलाइन के बारे में ये बता देता हूँ कि जब आप हेल्पलाइन पे कॉल करोगे तो सबसे जो पहला आपने बटन दबाना है हेल्पलाइन के नुमाइंदे से बात करने के लिए वो है 1, ठीक है। 1 दबाने के बाद दोस्तों आपने करना क्या, सिंपल ही 1 दबाने के बाद आपने पूरी बात सुननी है उनकी, ठीक है। सुनने के बाद जब वो आपको बोलेंगे 0 का बटन दबाओ तो तब आपने 0 का बटन दबाना, और जैसे ही आप 0 का बटन दबाओगे तो 0 का बटन जब आप दबाओगे तो आपकी जो है नुमाइंदे से बात हो जाएगी, ठीक है। और बात होने के बाद आपने करना क्या, सिंपल ही आपने उनको यही बोलना है कि मुझे जो है अपना अकाउंट डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करना है तो आपको बोलेंगे कि भाई आप अपना एनआईसी नंबर बताओ। जैसे ही आप एनआईसी नंबर बताओगे तो उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेने के बाद वो जो ना आपको बोलेंगे कि आपको जो ना 24 घंटे जो होते हैं कारोबारी 24 घंटे जो होते हैं उसके उसमें जो ना आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं, आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो 0 होना जरूरी है, ठीक है। अगर 0 नहीं होगा तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फिर जब आप उनको कॉल मिलाओगे तो आपको यही बोलेंगे कि यार आपके जो अकाउंट में अभी फिलहाल पैसे पड़े हुए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपना अकाउंट भी 0 कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी दोस्तों मेरे पास जो ना टेनोर की सिम नहीं है, ठीक है। और दोस्तों इन सिमों में भी फिलहाल बैलेंस भी नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखाया था। लेकिन दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया सिंपल सा यही छोटे छोटे 2-3 स्टेप है वही करने हैं आपने, और बिल्कुल इजीली बंद हो जाएगा, बिल्कुल ही आसानी से आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी मसला होगा वो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैंने यही बताना था। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।